विगत दिनों सीधी में भाजपा विधायक के साथी के द्वारा आदिवासी युवक पर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जिसको लेकर गुरुवार को शहर कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर देवास आनंद मालवीय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग की गई कि सीधी में हुई आदिवासी के साथ घटना से आदिवासी समाज तो आक्रोशित है, प्रदेश के समस्त समाज का भी सिर नीचा हुआ है। उक्त कृत्य की फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से कार्यवाही कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सीधी में जो घटना हुई है उसका तो नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है। ऐसी शर्मनाक घटना से प्रदेश का सिर नीचा हुआ है। मैं तो मांग करता हूं कि देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, प्रदेश के राज्यपाल आदिवासी हैं, जिस देश और प्रदेश में आदिवासियों के साथ इस तरह की घटना घटित हो तो उन्हें अपनी कुर्सियों को छोड़ देना चाहिए, अपने पदों से त्याग पत्र दे देना चाहिए। वर्मा ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई होकर 7 दिन में इस प्रकरण का निर्णय होना चाहिए, दोषी को फांसी दी जाना चाहिए। ज्ञापन का वाचन कांग्रेस प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने किया और आभार आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष नीलेश वर्मा ने माना। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में इस घृणित कृत्य के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे है, आंदोलन कर रहा है। हमने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी प्रमुख मांग, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश आदिवासी नहीं, पूरे भारत के आम जन ने इस घृणित कृत्य को देखा है और उनके मन में इतनी पीड़ा है। ऐसी सरकार को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्यपाल ने बर्खास्त कर देना चाहिए। यदि शर्म आती शिवराज चौहान, यदि दिल गुर्दा होता, तुम्हारा जिगर होता, उस व्यक्ति के घर पे जाना था, उस व्यक्ति के घर पे जाके उसके पैर धो के पीना थे। ये नौटंकी प्रदेश और देश की जनता कई सालों से देख रही है, तुम्हारी ये नौटंकी चलने वाली नहीं। उस पीड़ित परिवार को और जो पीड़ा से दुखी है उसके घर पे जाके मरहम लगाना चाहिए, उसे भोपाल में अपने राजभवन में बुला रहे हो। शर्म आना चाहिए शिवराज को, हम इस कृत्य की भी निंदा करते हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।